Good morning, student. Myself Varnish Kumar. Today I am going to teach the topic is cord prolapse. So you can see the diagram. Cord prolapse when the cord is outside of vagina. That condition is called cord prolapse. That is the obstetrical emergency cases. So there is a types of cord prolapse. Occult prolapse, cord presentation, cord prolapse. ठीक है, cord prolapse को तीन वैरायटी में, तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है. occult prolapse, cord presentation एंड थर्ड इज cord prolapse. तो हम वन बाय वन देखेंगे what do you mean by cord prolapse, cord presentation and cord prolapse. So you can see the diagram. occult prolapse, when the cord is present in lower segment of uterus but not coming out from vagina, that condition is called occult prolapse. जब cord lower uterine segment में होता है और वो internal os को touch नहीं करता, लेकिन वो lower segment पे आ जाता है cord, ऐसे condition को हम occult prolapse कहते हैं. occult prolapse में जब हम PV करते हैं, woman का pelvic examination करते हैं, तो ऐसे cases में amniotic fluid rupture नहीं रहता है, cord एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ही रहता है. ठीक है, पीवी करेंगे तो हम सिर्फ उस कॉर्ड को टच नहीं कर सकते, उसको हम फील कर सकते हैं, हार्ट बीट को, फीटल हार्ट रेट को कॉर्ड से. क्लियर है? तो ऑकल्ट प्रोलैप्स व्हेन द कॉर्ड इज प्रेजेंट इन लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस बट नॉट कमिंग आउट फ्रॉम वजैना, दैट कंडीशन इज कॉल्ड ऑकल्ट प्रोलैप्स. नेक्स्ट इज द कॉर्ड प्रेजेंटेशन. इट इज अ कंडीशन व्हेन कॉर्ड इज present in the presenting part of internal os of the cervix. ठीक है, जब cord internal os के presenting part में को touch करता है but not coming out from the vagina, completely out नहीं होता है, ऐसे condition को हम कहेंगे cord presentation. ठीक है, now third is a cord prolapse. when cord is completely outside of vagina, that condition is called कॉर्ड प्रोलैप्स, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं. ठीक है, तो तीनों में डिफरेंशिएट क्लियर है. ऑकल्ट प्रोलैप्स व्हेन कॉर्ड इज प्रेजेंट इन लोअर सेगमेंट नॉट कमिंग आउट फ्रॉम द वजाइना. ठीक है, इस कंडीशन में वो मेम्ब्रेन के अंदर ही रहता है. कॉर्ड प्रेजेंटेशन दैट इज द कंडीशन व्हेन कॉर्ड इज टच इन प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द इंटरनल ओस, दैट कंडीशन इज कॉल्ड कॉर्ड प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग पार्ट को टच करता है. कॉर्ड present prolapse when the cord is completely outside of vagina, that condition is called cord prolapse. clear? now figure itially क्या क्या causes हैं जिसके कारण generally cord prolapse होने के chances रहते हैं. एक है mal presentation, तो baby का presentation बार बार change होगा तो उसके कारण होता है. contracted pelvis, ठीक है, pelvis का size and shape abnormal है, premature baby है, इसके कारण हो सकता है. ट्विन्स हैं, ठीक है, तो कॉर्ड का लेंथ ज़्यादा रहता है. हाइड्रोमनियाज, एक्सेस एमनियोटिक फ्लूइड है, तो इसके कारण होगा बेबी ज़्यादा फ्लोट करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में. ठीक है, प्लेसेंटल फैक्टर बिकॉज ऑफ द प्लेसेंटा के कारण हो सकता है, हो सकता है प्लेसेंटा का जो इम्प्लांटेशन है एबनॉर्मल है, तो वो एक कॉजेस हो सकते हैं. ठीक है, लोअर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन रप्चर हो गया है टाइम के पहले, ठीक है, वो एक कॉजेज है. मैनुअल रोटेशन ऑफ द हेड एंड वर्जन, कई बार माल प्रेजेंटेशन होने के कारण जो डॉक्टर्स हैं वो वर्जन करते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल वर्जन, तो पोजीशन चेंज करने की कोशिश करते हैं बेबी का, तो उसके कारण भी कॉर्ड प्रोलैप्स होने के चांसेस हैं. तो दिस ऑल द एटियोलॉजी ऑफ द कॉर्ड प्रोलैप्स. Now diagnosis, how we will diagnose the patient is having occult prolapse, cord presentation and cord prolapse. ठीक है, हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, जो कि मैंने जब उनको क्या होता है occult prolapse, cord presentation, cord prolapse के बारे में उसी में क्लियर था. हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि कौन कौन सा ये prolapse है, कौन से टाइप का prolapse है. ठीक है, फर्स्ट इज है occult prolapse. Variable decreation of the FHF, fetal heart rate pattern detected on continuous electrofetal monitoring. जब हम fetal monitoring करेंगे तो जो fetal heart rate में उसमें variation आएगा, अच्छे से नहीं आएगा, क्योंकि
कॉर्ड क्या है, लोअर साइड में चला जाता है, लोअर यूट्रेन सेगमेंट में चला जाता है, तो क्या होता है, तो जो कॉर्ड है वो बेबी के हेड से प्रेस होता है, ठीक है, कंप्रेस हो जाता है, इसके कारण फिटल हैट्रल में वेरिएशन आते लगते हैं, क्लियर है, तो वो कॉर्ड प्रोलैप्स होगा, ठीक है। और जब हम पर वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तब हमको सिर्फ फील होता है पल्सेशन का, लेकिन हम कॉर्ड को टच नहीं कर पाते हैं, तो ओकल प्रोलैप्स कंफर्म हो जाता है। कॉर्ड प्रेजेंटेशन फीलिंग ऑफ पल्सेशन इज कॉर्ड, जब पीवी करेंगे तो आपको बिल्कुल फील होगा हल्का सा, ठीक है, कॉर्ड है और पल्सेशन फील होगा, क्लियर है, वो कॉर्ड प्रेजेंटेशन। कॉर्ड प्रोलैप्स आप यू कैन सी द आउटसाइड ऑफ वल्वा, आप देख सकते हो, पेल्पेट कर सकते हो, टच कर सकते हो कॉर्ड को, क्लियर है। तो इस तरह से हम डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट इज हैविंग विच टाइप ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स। नाउ लास्ट इज मैनेजमेंट, कॉर्ड प्रोलैप्स का मैनेजमेंट में फर्स्ट है, फर्स्ट हमको देखना है बेबी इज लिविंग और डेड, ठीक है, बेबी लाइव है कि डेड है वो कन्फर्म करना है बाय द सोनोग्राफी। मेच्योरिटी अगर लाइव है तो मेच्योरिटी देखना है, कितने वीक्स ऑफ प्रेजेंटेशन है, और देखना है सर्वाइकल डायलेशन, ठीक है, और देखना है कि मदर का जेस्टेशन वीक कंप्लीट हुआ है, लेबर का टाइम आ गया है, सर्वाइकल डायलेशन हो रहा है तो कितना हो रहा है, ठीक है, वो ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो बेबी लाइव और डेड वो ऑब्जर्व करना है, मेच्योरिटी ऑफ बेबी ऑब्जर्व करेंगे एंड सर्वाइकल डायलेटेशन, ठीक है। तो अगर बेबी अलाइव है तो हम क्या करेंगे, अगर बेबी डेड है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर डेड है तो अपन को सोनोग्राफी से कंफर्म करेंगे, ठीक है, फिर अपन लोग स्पॉन्टेनियस नॉर्मल डिलीवरी होगी तो ठीक है, अदरवाइज हम उनका डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन करके बेबी को आउट करेंगे, ठीक है। तो इफ द बेबी इज डेड तो दिस टाइप ऑफ मैनेजमेंट वी हैव टू डू, आफ्टर दैट बेबी इज अलाइव, अगर बेबी लाइव है तो उस कंडीशन में हम देखेंगे इमीडिएट वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है तो अपन को क्या करना है, अगर इमीडिएट वजाइनल डिलीवरी नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल कंडीशन सर्वाइकल डायलेटेशन अभी नहीं हुआ है, जेस्टेशन वीक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये सब नॉट पॉसिबल में आएंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या क्या करेंगे हम देखते हैं, इफ द वजाइनल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल और कॉन्ट्राइंडिकेटेड, बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उस कंडीशन में अपन को क्या करना है, एक तो फर्स्ट एड मैनेजमेंट करना है, ठीक है, और एक डेफिनेटिव मैनेजमेंट करेंगे। डेफिनेटिव मैनेजमेंट सिजेरियन सेक्शन करते हैं, लेकिन उसके पहले अपन अगर इमरजेंसी में बेबी को डिलीवर्ड कर रहे हैं सिजेरियन सेक्शन के थ्रू, 34 वीक्स कंप्लीट होना ज़रूरी है, और हम उसको स्ट्राइट थेरेपी इंजेक्शन देते हैं मदर को ताकि बेबी का लंग्स डेवलप हो, ठीक है, वो डेफिनेटिव मैनेजमेंट में करेंगे, ठीक है। और मान लो अभी थोड़ा स्टेबल है और अपन को कंप्लीट करना है, सर्वाइकल डायलेटेशन भी नहीं हो रहा है, कंप्लीट करना है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ऐसे कंडीशन में हम फर्स्ट एड करेंगे। तो दिस फर्स्ट एड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ वाइवा में ये पूछा जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर पॉसिबल नहीं है वजाइनल डिलीवरी उस कंडीशन में हम क्या फर्स्ट एड करेंगे, सबसे पहले है ट्रांसफ़र टू इक्विवेलेंट हॉस्पिटल, मीन्स पेशेंट को अपन को पूरी फैसिलिटी, अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो पूरी जहां पर उसकी पूरी केयर हो सके ऐसे हॉस्पिटल में अपन को पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है। ऑक्सीटोसिन शुड बी स्टॉप, ऑक्सीटोसिन अपन को पेशेंट को नहीं देना है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन देने से पेशेंट को कॉन्ट्रैक्शन आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आने से व्हाट विल हैपन, बेबी का जो हेड है कॉर्ड को और कंप्रेस करने लगता है, जिससे कॉर्ड कंप्रेशन होने के कारण बेबी की डेथ भी हो सकती है, इसीलिए अपन को ऑक्सीटोसिन स्टॉप करना है, ओके। और O2 मास फेस इज गिवन, ठीक है, O2 मास नेसेसरी है, बेबी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इसीलिए फीटल हार्ट रेट उनका वेरिएशन आता है तो O2 देना ज़रूरी है। ब्लैडर को फिल करना है, वुमन का ब्लैडर को फिल करना है, ताकि ब्लैडर जब फिल होगा तो जो भी आउटसाइड ऑफ वजाइना है उसे पप होके वो अंदर की तरफ चला जाता है, ठीक है। टू लिफ्ट द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द कॉर्ड, ठीक है, ये ब्लैडर फिल करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम ग्लव्स वियर करेंगे, जो भी डॉक्टर्स रहते हैं ग्लव्स वियर करते हैं और कोशिश करते हैं कि कॉर्ड लिफ्ट प्रेजेंटिंग पार्ट के अंदर चले, फोर्सफुली नहीं डालते हैं, धीरे धीरे वो लिफ्टअप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट इज द एलिवेटेड सिम्स पोजिशन और टेंडर वेट पोजिशन एंड नी चेस्ट पोजिशन प्रोवाइड टू वूमन, ठीक है। उसके बाद हम पेशेंट को कोशिश करेंगे उन एलिवेट करके रखेंगे, उनका लोअर साइड का जो बेड है
उनको एलिवेट कर देंगे, ठीक है, ताकि जो कॉर्ड प्रोलैप्स है वो स्वीप अप होके यूट्रस में वापस चला जाए, क्लियर है, या फिर टेंडर बग पोजीशन देंगे या फिर नी चेस्ट पोजीशन हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द फर्स्ट एड मैनेजमेंट, ठीक है। ये इमीडिएट वजाइनल डिलीवरी नॉट पॉसिबल ऐसे कंडीशन में है, इफ द वजाइनल डिलीवरी इज पॉसिबल उस कंडीशन में अपन देखेंगे बेबी का क्या प्रेजेंटेशन है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है कि ब्रीच है। अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो ब्रीच एक्सट्रैक्शन ब्रीच प्रेजेंटेशन के जो मेथड है डिलीवरी करने के वो अप्लाई करेंगे, ब्रीच एक्शन के थ्रू बेबी को डिलीवर्ड करेंगे। अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तो हम नॉर्मल डिलीवरी करेंगे, ठीक है, और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम फॉर्सेप्स या वेंट्रल सक्शन के थ्रू बेबी को डिलीवर करेंगे। तो दिस ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स। So, if you have any doubt about this topic, you can ask me. Thank you.